अल्लाह मेरे किसी बच्चे के अंदर आवाज नहीं है। मुझे एक दफा उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त नहीं, चाहता हूँ तुम मेरे साथ चला करो, मैं अकेला होता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। मैं कहता तो बाबा मैं आऊंगा लेकिन मैं उनको फिर कटा देता हूँ। हम स्कूल से निकल गए थे, कपूर के पास नहीं थे वो पैसे, नहीं थे। हाँ जब मेरी शादी हुई थी मुझे याद है 25-30 हज़ार रुपये थे अकाउंट में। ये जो हादसा था उसकी जो खबर थी आप, मतलब आपने कैसे रिसीव की? कमरे के बाहर मुझे मेरी अम्मी की चीखने की आवाज़ आई थी बहुत जोर से। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और आप रमज़ान को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आज का ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम इफ्तार विद बाबर जुनेद जमशेद है इंशाल्लाह, और एट जुनेद जमशेद शहीद हाउस इंशाल्लाह अज़ीज़। तो हमने आज भाई बाबर से बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की बातें भी इंशाल्लाह करनी है, और बहुत कुछ है इनसे पूछने का, बहुत सी यादें हैं इन कुछ इनकी अपनी मसरूफियत भी, और रमज़ान के मामूलात कैसे जा रहे हैं और भाई से भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। तो हम अभी बाबर भाई को एक जगह से हमने पिक किया, रमज़ान ट्रांसमिशन से मसरूफ़ हैं आजकल माशाल्लाह। तो पहले तो हमें यूट्यूब चैनल पे नज़र आते थे, अब यूट्यूब चैनल पे आजकल नज़र नहीं आ रहे। ये भी पूछते हैं कि कहाँ है, गायब हो गए वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम लुदूद भाई, जनाब बहुत बहुत जज़ाए खैर है आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, और बड़ा अभी बड़ा मुझे सुनाए ना, क्या मसरूफियत है आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में? सब अपना बताएं कि क्या मसरूफियत होती है वैसे ओवरऑल। रमजान में एक्सप्रेस टीवी के साथ मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, उनका एक सेगमेंट होता है उसमें मैं होता हूँ। सही, थोड़ा सा ये कि एक थोड़ी थकन है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। लेकिन बाकी क्योंकि एक्सप्रेस के साथ हूँ तो उन्होंने हर जगह से आने से मना कर दिया, तो फिर बाकी इवेंट्स वगैरह पे जाना मुश्किल होता है। ओवरऑल रमजान के अलावा क्या मसरूफियत होती है आपकी? यार अब्दुल वदूद भाई, मैंने 2019 में अक्टूबर में मुझे याद है, मुझे मस्जिद के भी जो साथी थे और भी कुछ हज़रात, मैंने उनसे मशवरा किया कि यार लोग मुझसे अक्सर उस वक्त ख़ास पूछा करते थे कि यार जुनेद भाई की कोई ऐसी बातें बताएं जो उनकी पर्सनल लाइफ की थी, जो आपको सिर्फ मालूम है और हमसे शेयर करें। तो मैं समझ नहीं आता था कि यार अब हर बंदे को अलग अलग जा कर बताऊँ, और वो एक सारे मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता था। तो मैंने किसी से मशवरा किया कि यार अगर हम यूट्यूब पे अगर मैं करूँ तो ये ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सकती है। तो लोगों ने मुझे शुरू से ट्राई करें, फिर ऐसे ऐसे वहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर पता चला कि यार उसमें पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, आप बड़े जबरदस्त व्लॉगर बन गए माशाल्लाह। फिर स्टडीज का थोड़ा सा बता दें, हाँ इसके लगे हाथों। हाँ जी, क्या कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा उसमें? मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में फिर बैचलर्स। अच्छा माशाल्लाह, तो ये YouTube तो आपकी माशाल्लाह फिर अपनी फील्ड ही है एक तरह से ना। फिर इसको एज अ प्रोफेशन ही स्टार्ट किया कि सही जो पढ़ा है इसी में। तो फिर छोड़ क्यों? अभी मैं लास्ट व्लॉग आपके देख रहा था, कुछ 6 महीने पहले आया हुआ, किधर है व्लॉग? असल में यार अब्दुल वदूद भाई, कुछ और चीज़ें भी आ गई बीच में। ये आजकल अक्सर ये कुछ ब्रांड्स वगैरह के साथ प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम होता है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी, कि अगर आप YouTube की व्लॉगिंग बंद करेंगे ना तो ये ब्रांड्स वाले भी फिर ज़्यादा लिफ्ट नहीं करेंगे, है ना जी। घर आ चुके हैं तो बाकी बात यहाँ पर हमने करनी है। जी हम इस वक्त घर पर हैं, और ये घर बाबर भाई अब जुनेद भाई का घर है। ये वद्दू भाई नहीं, बाबा के होते हुए हमारे पास नहीं था। अच्छा नहीं था, नहीं सही है। तो बहरहाल बाबर जुनेद का तो है ना। अच्छा चलो अच्छा, हम आपने बता दूँ, मैंने कहा हम यहाँ से भी शिफ्ट ही होने वाले। अच्छा, आज बस यही सामान लेके ऊपर से पूरा घर खाली है। अच्छा हाँ चलें जी, फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इस लोकेशन को ट्रेस करेंगे तो इधर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ खाली मिलेगा, कोई और शायद लोग मिल जाएंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा और भाई ये बताएं कि कितने बहन भाई हैं आप लोग, पहले तो ये बताएं। अब्दुल वदूद भाई मेरे बड़े भाई हैं, तैमूर। अच्छा,
फिर मैं हूँ, सही है, बाबर, ठीक है, मेरी छोटी बहन है जहरा, सही है, और फिर सबसे छोटा है सैफुल्ला। अच्छा तो हम चार ही बहन भाई हैं। चार ही बहन भाई हैं माशाल्लाह। तो तैमूर साहब तो बिजनेस कर रहे हैं मेरे ख्याल है। हाँ तैमूर भाई जो हैं वो उधर होते हैं, जे डॉट में नहीं होते, उनका दूसरा है जजा फूड्स चावलों का। तो वो अब पहले आया करते थे अक्सर कभी इवेंट्स वगैरह पे, चैनल वगैरह पे, लेकिन अब वो बिल्कुल फुल टाइम वहाँ बिजनेस में, ठीक है। और हज़रत जनाब वो माशाल्लाह अपने मीडिया को, मीडिया इंडस्ट्री जो उन्होंने वो पढ़ा है मीडिया साइंस, तो उसको देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं अपना है, इसमें थोड़ा बहुत मार्केटिंग का भी बंदे को आइडिया हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर कभी कोई जज़ा की या जे डॉट की कोई वो करनी हो, कोई प्रमोशन वगैरह, तो फिर वो उसके लिए वो मुझे ही कहते हैं कि यार इसको बताओ क्या करना है, क्या करना है, मैनेज करो इसको, मैनेज करो। चलें जी, चार माशाल्लाह बहन भाई हैं आप लोग, अल्लाह ताला बरकतें दे। अच्छा ये जो जुनैद भाई की ज़िंदगी, आपने 21 साल गुजारे ना यानी बाबा के साथ, ठीक है, तो वो जो एक्सपीरियंस था बहुत अप एंड डाउन आए, ये बताइए कि जब वो उन्होंने स्विच किया उस लाइफ से इस लाइफ की तरफ, वो कुछ मंजर है आपके सामने या आपसे पहले था वो? नहीं नहीं हाँ मुझे याद है बिल्कुल। अच्छा तो क्या रिएक्शन था, मतलब आपने, अच्छा वो दौर आप अपने होश हवास में थे जब वो हाँ जी, उस हाँ तरफ जी, थे बिल्कुल मैं था। तो क्या उस वक्त क्या होता था और जब स्विच हुए तो क्या था ये सारा प्रोसेस? यार अब्दुल वदूद भाई जो उनके कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, हाँ, तो मुझे अभी भी याद है, मैं क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे तो हम स्टेज पर भी मैं चला जाया करता था। अच्छा तो मुझे वो याद है कुछ थोड़ी बहुत, बहुत नहीं याद, लेकिन उनका म्यूज़िक के डेज याद हैं। सही है। तो उस वक्त भी उनको एज अ सन, एक फादर के उससे देखा कि मेरे बाबा हैं और जो ये कह रहे हैं फिर यही का शायद हो, बिल्कुल, तो अगर तो शायद वो यही करते रहते तो शायद मैं भी फिर यही करने लग जाता और आज आपके सामने इस तरह नहीं होता। जी बिल्कुल, तो जब वो चेंज आना शुरू हुआ तो हल्का हल्का, क्योंकि वो एकदम से एक ऐसा 180 डिग्रीज टर्न होता है ना, बिल्कुल, एक म्यूज़िक की, सिर्फ म्यूज़िक नहीं, वो पूरी एक लाइफस्टाइल होती है, उसमें हम भी वैसे ही गुजार रहे होते हैं जैसा एक होता है, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी। तो जब वो इस तरफ आए तो उसमें वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी जो हम किया करते थे, कि जब हम जैसे भी ये है पिक्चर्स लिया करते थे तो मेरी बड़ी बड़ी फ्रेम में हुई फ्रेम होती थी और मेरे कमरों में लगी, एकदम चेंज हो गया। अब वो एकदम से बाबा का आता था रिएक्शन के यार इसको हटाओ, तो फिर मैं बड़ा हम सैड होते थे, मैं मम्मी को जाकर बताया करता था कि यार ये। और फिर कुछ जब मैं 15-16 टाइप का हुआ तो मेरी दाढ़ी नहीं थी, मैं बिल्कुल क्लीन शेव थी। अच्छा तो वो मेरे पास आया करते थे कि यार तो मेरे दाढ़ी रखो तो सही, बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारे लगोगे। अच्छा इस तरह इस तरह के। अच्छा बिलाफ ये भी होता है बस औकात ना, कि वो जब कोई आदमी खुद चेंज होता है ना किसी, यानी दीन की तरफ आता है किसी और दूसरी उससे ज़िंदगी से, तो वो एकदम से ना सख्त हो जाता है घर वालों पर ना कि क्या है, वो सख्तियाँ शुरू हो जाती हैं और पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं और घर वाले बोलते हैं क्या मुसीबत आएगी, क्या हो रहा है ना। तो उनका जो चेंजिंग का जो प्रोसीजर था, जितना भी उन्होंने घर को बदला, पूरा एनवायरनमेंट चेंज, जिस तरह आपने कहा 180 चेंज था, तो उन्होंने किस तरह से सख्ती करते थे बहुत या नहीं? हाँ। यार वो अल्लाह की तरफ से उनके नेचर में नहीं था। अच्छा एज अ पर्सनैलिटी ज़बरदस्त। जब वो, क्योंकि अभी भी मैं जानता हूँ जो उनके दोस्त हैं पुराने, ये सलमान अहमद जो जुनून के हैं जी जी। और शुएब मंसूर साहब, उनके जो म्यूज़िक डेज के हैं, हाँ। वो अभी भी जब उनसे हम मिला करते थे वो बताया करते थे कि वो हमेशा से ही थोड़े से खामोश टाइप थे और थोड़ा काम से काम, अपने काम से काम, कभी इंटरफेयर नहीं करते थे किसी की पर्सनल उसमें। तो जब इस तरफ आए तो वो थोड़ा और ज़्यादा ही हो गए, उन्होंने कभी भी आकर ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया। ये ज़रूर होता था उनका कि जब हम कभी उनकी बात ना माने तो वो नाराज जरूर हो जाएगा। अच्छा, हाँ। नाराजगी का तरीका क्या था? हाँ बस वो बैठ जाए, वो कुछ खामोश, कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर अगली दफा नहीं बोलेंगे उस चीज को। तो आप फील कर लेते थे तो जब मैं आखिर के पास बैठता था तो चाहता था कि बाबा बात जरूर करेंगे, लेकिन वो इतने फील होता था, वो इतने सिंपल से पता चल जाता है बाबा नाराज है। जबरदस्त, यानी फेस इंप्रेशन से पता, हाँ बहुत ईजीली, तो बता था बाबा नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा। जबरदस्त। आप जो है ना, आपकी जो शायद मैंने आपके कुछ व्लॉग्स वगैरह देखे, हमारे ऑडियंस ने भी देखे हैं कि देखे होंगे आपके चैनल पे, आपकी बहुत ज़्यादा, यानी बाकी ज़ाहिर है एक आध कोई बंदा पीस ऐसा होता है घर में कि जिसकी ज़्यादा अटैचमेंट होती है मामा बाबा के साथ, एक बाबा के ज़्यादा करीब होता है, एक मामा के ज़्यादा करीब होता है, ऐसे होता है ना? ऐसे ही होते। तो आप मेरा ख्याल है वो वाले हैं जो बाबा के ज़्यादा करीब थे, ऐसे ही है कुछ? यार मैं
अबू के साथ बस टाइम बहुत ज़्यादा गुजारा करता था। सही है। मुझे बहुत शौक था कि जो काम कर रहे हैं मैं सीखूं, क्योंकि उनकी मीडिया की फील्ड थी और मैं उस वक्त पढ़ भी वही रहा था, पढ़ भी वही रहा था, तो मुझे शौक था कि उनकी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, वो किस इवेंट्स पर जाते हैं, वो चैनल पर जाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बैठते हैं। बिल्कुल। तो मैं शौक था तो मैं उनके साथ बैठता था, बाबा मुझे बताएं। तो एक दफ़ा उन्होंने ना मुझे बोला कि यार कुछ आए हैं नात गाना कुछ पढ़ने का शौक भी है। अच्छा। हम सारे बैठे हुए थे, बल्कि एक ही करके हम सबने सुनाया उनको, उन्होंने ऐसे करके कहा या अल्लाह उफ अल्लाह मेरे किसी बच्चे के अंदर आवाज़ नहीं है। लेकिन फिर जब उन्होंने नहीं गाना तो फिर उसके बाद मैं सीरियस हो गया, मैंने फिर अपनी आवाज़ मैनेज की, हमने कहा लाज रखनी पड़नी है, लाज रखनी पड़ेगी यार आवाज़ को कुछ मेहनत करेंगे। तो फिर थोड़ा बहुत रियाज वगैरह शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे जुनैद भाई का वो अंदाज़ याद आ रहा है जिस तरह वो जब शो में भी होते थे ना, तो जब वो सर पे हाथ मारते थे ना, तो खास एक स्टाइल होता था उनका, यार कितने फंस गए हम। अच्छा, ज़बरदस्त। चले माशाल्लाह आपने मेहनत की और अब माशाल्लाह आप उसको आगे बढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 21 साल छोटा अरसा नहीं होता, और फिर ज़ाहिर एक फ़ादर सन का रिलेशनशिप और वो एक अटैचमेंट भी। ये जो हादसा था उसकी जो खबर थी, आप मतलब आपने कैसे रिसीव की थी वो वाली न्यूज़, और क्या उस वक्त मतलब ज़ाहिर है एक होता है ना, लोग एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं कि यार क्या हो गया है, कोई हमारा बंदे को कुछ, हमारा भी बंदा इसमें सवार था, हमारी फैमिली का कोई मेम्बर भी था, वो बच गया है या क्या। तो आपने कैसे रिसीव किया था इस न्यूज़ को? ज़ाहिर है पूरी उम्मत के लिए बड़ी शॉकिंग थी, ज़ाहिर है आपका तो अलग ही, उसके क्या था वो मरहला अलमा? यार अब्दुल वदूद, मेरे ख्याल से शायद ये इससे थोड़ा पहले का वक्त था, शायद जोहर और असर के बीच का, और मैं और मेरा छोटा भाई जो है सैफुल्ला कमरे में बैठे हुए थे, हम गेम खेल रहे थे, कोई साथ में बातें कर रहे थे, स्कूल से अभी अभी आए थे हम शायद। अच्छा। तो मेरी मुझे अम्मी ने कहा था कि आज बाबा आ रहे हैं, मतलब घर आ रहे हैं। तो जब वो आया करते थे तो उस वक्त ना उनको, क्योंकि वो गोश्त का सालन नहीं होता, वो खाने का शौक़ था, और वो फ्रूट शूट ऑरेंज ऑरेंज और इस तरह की, तो अम्मी गई थी सौदा लेने। अच्छा। और हम सब रेडी थे कि बाबा आने वाले हैं, और अब बहुत चिल होगा आज का, आज अब तो मज़े हैं सबके, भाई वो कुछ चीज़ें वीज़ें भी लेकर आएंगे हमारे लिए और इस तरह। तो मुझे मेरे कमरे के बाहर मुझे मेरी अम्मी की और मैं और सह बैठे थे, चीखने की आवाज़ आई थी बहुत ज़ोर से। तो जब हमने दरवाज़ा खोला तो वो कह रही थी कि मेरे अब्बू का नाम लेकर कह रही थी कि जैसे जुनैद का प्लेन क्रैश हो गया, ऐसे कुछ कह रही थी, बस इतना याद है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या टाइम था, उस वक्त नमाज भी अल्लाह माफ कर दे आती नहीं थी पढ़नी, बस जो भी था ऐसे ही, वजू भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही जानवाज में खड़ा हो गया और सैफ वगैरह खड़े हो जाते हैं, और बस नमाज शुरू कर दी कि शायद जो भी हुआ है तो अभी अल्लाह से दुआ करते हैं कि सही हो। यानी एक वो अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश कर दिया कि अल्लाह बस अब जाना। क्या अच्छा, ज़िंदगी ज़ाहिर इंसान की ना, बाज़ लोगों की जो ज़िंदगी का इख्तिताम होता है बस ज़ाहरी ज़िंदगी का, वो उनके लिए एक नया आगाज़ भी होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब आज वो जितने दिलों में ज़िंदा हैं यकीनन, तो वो पहले से बहुत ज़्यादा है वो वक्त। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज इस वक्त यानी लोगों का आपके साथ जो रिएक्शन है, इंट्रैक्शन है, रवैया है, किस तरह से देखते हैं उस ज़िंदगी और इस ज़िंदगी? यार आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और बल्कि मैं चाहता भी था कि मुझसे कभी कोई सवाल ये करे, या मैं खुद मैंने सोचा मैं ना बताऊं, लेकिन आज बाबा को यार 6 साल हो गए, 2016 से अभी 20, इस साल 7 ईयर्स हो जाएंगे। तो आज जब मैं हमें पूरे इन 6 सालों में पूरी मेरी भी एक जर्नी रही है जो मैंने सीखी, एक ज़िंदगी जो बाहर की, तो जब लोगों से मिला करता था तो यार अब्दुल वदूद भाई, मैं इस वक्त रोज़े में हूँ, मैं आपको दिल पे हाथ रख के बताऊँ, कोई ऐसी जगह नहीं है या कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी मस्जिद जहाँ मैं कभी गया हूँ, चाहे मुल्तान हो, चाहे मैं जब जमात में जाया करता हूँ, तो वहाँ किसी ऐसी मस्जिद में जाऊँ तो जो वहाँ के मुकामी हैं वो मुझे बताते हैं कि यार इस टाइम पे इस वक्त में जुनैद भाई भी इस मस्जिद में आए थे, वो भी उन्होंने भी इधर वक्त, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो किसी से जिससे मिले वो कहते जी जुनैद भाई की मेरी मुलाकात हुई थी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो मैं बड़ा शौक फील करता हूँ, मैं अम्मी को जाकर भी बताता हूँ कि यार हर बंदे से ही उनकी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है, वो इतना जिंदा है अभी भी, और लोग मुझसे जो मिलते हैं वो सिर्फ उन्हीं की वजह से मिलते हैं। वो वाक़या हुआ था एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, एक बेटी की हैसियत से वो वाक़ जब वीडियो आपने देखी, और जब बाबा उसके बाद घर आए, वो घर ही आ रहे थे मेरे ख्याल है उस टाइम पे, इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे,
वो क्या था फेज और क्या उन्होंने आपके आपको आकर बताया और किस तरह से लिया आपने उसको? अब्दुल वदूद भाई, जब ये हुआ भी था तो हम पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे उसी महीने वहीं से उनको मैसेज किया था कि प्लीज़ आप वापस आ जाएँ, यहाँ इंग्लैंड आ जाएँ, यहीं पे रह लें, आप पाकिस्तान से आ जाएँ। तो उन्होंने मुझे उनसे हार्ट का एक मैसेज भेज दिया था कि नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो फिर लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। वो कराची ज़रूर आए थे लेकिन हम कराची में नहीं हुआ करते थे। तो उनसे काफ़ी एक ऐसा टाइम हुआ होता था कि हम उनसे मिल नहीं मिल पाते थे। हर चीज़ उनका उनका प्यार वगैरह हमेशा हुआ करता था, लेकिन वो कभी उनके साथ कभी मिले तो वो कहते थे कि देखो मुझे बात बताओ, मैं तुम लोग टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, लेकिन कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई कमी जो मेरे जो मेरी तरफ से हो को, और जो तुम लोग फील करते हो, तो मैं कहता था नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन टाइम उनके साथ बहुत कम होता था। वो अपने आप को इन वाक़ में तसली कैसे देते? मतलब ये एक वाक़ हुआ ना बहुत बड़ा, मतलब मैं एज इंडिविजुअल मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे साथ खुदा ना खास्ता ये होता है इस तरह के इंसिडेंट और पब्लिक में और फिर बगैर किसी वजह के, और वो ऐसा ऐसा मतलब नारे लगा कि जो जो जिनको मैं सोच तक नहीं सकता, तो वो आप लोगों को समझाते तो होंगे ना कि इसको दिल पे नहीं लेना ये? यार वदूद भाई, ये मैंने एक्चुअल में चीज़ खुद भी अब फेस की। अच्छा। जब, हाँ, जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उसमें इस्लामिक वीडियोस में करता था, लेकिन ऑफ कोर्स मीडिया की फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसमें, बंदा कभी कभी बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर लेता है कोई और चीज़। मुझे अभी जुनैद भाई बाबर भाई ने बताया कि मेरी टोपी स्टूडियो में रह गई है अब्दुल भाई। मैंने कहा खैर है, उसके बगैर भी मुसलमान हो यार ये लोग समझे तो क्या ही बात है। अच्छा। तो मेरे जो बेटा है छोटा वाला मोहम्मद दामस का, तो उसकी ना एक सालगिरह हुई थी, तो किसी ने ना हमारे इधर से यहाँ वीडियोस वगैरह बना ली, ठीक है, तो वो मैंने और चैनल पे वैसे डाल दिया, मैंने कहा मोहम्मद की सालगिरह। तो जब मैं गया ना मस्जिद सामने घर के, तो ये जब बाहर निकला तो एक साहब आते हैं, नाम तो नहीं बताऊँगा, उन्होंने ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? जी कह रहे थे सालगिरह बना रहे, पूरी दुनिया को क्यों दिखा रहे हो? फिर जी अब बना ली थी खुशी में, अब तो कह रहे तो मेरी गलती हो गई जी। तो वो इतना गुस्सा हो यार उस वक्त कि फिर मुझे वो दिल मिल जाएगी बात के यार थोड़ा सा लोग जो हैं कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल बाबा भी इसी तरह बताया करते थे कि वो कहते थे कि मेरे अब जो हैं कहा मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझे एक दो टेबल में उनका बैठा हुआ था रात को, तो मुझे कहते हैं कि मेरे अब कोई दोस्त नहीं है। हाँ, तो भारी जुमला है यार ये। हाँ, कितना मतलब वो आपको एक खामोश मैसेज ये भी दे रहे थे कि अब तुम ही हो दोस्त। आप बस वो ये कहा करते थे तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चला करो, मैं अकेला होता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं कहता था बाबा मैं आऊँगा, लेकिन मैं उनको फिर कटा देता था। अच्छा, बाबा को भी कटा देते लेकिन हमें नहीं कटाया बाबर ने यार, माशाल्लाह। नहीं नहीं अब जो है ना अब पता नहीं था। नहीं 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 जाहिर सी बात है, लेकिन जो आपकी शख्सियत में रिफ्लेक्शन है, एक 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 लहजे में एक तवाज़ुन है, मैं आई मस्ट से कि वो एक आजजी वाला पहलू भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की देन होती है, हर किसी को अल्लाह ताला ये नहीं देते, तो ये एक ट्रू रिफ्लेक्शन है जुनैद भाई की पर्सनालिटी की। डेफिनेटली आप उनके बेटे हैं ना, वो ऐसा तो नहीं है कोई पीर मुरीदी का ताल्लुक है, नहीं ये खून है, तो ज़ाहिर है उसी का अल्हम्दुलिल्लाह ये वो है। अच्छा ये बताओ जुनैद भाई के माशाल्लाह पोते पोतियाँ कितने हो गए यार? कितने? तारिक मसूद साहब की तरह आप भी गिन रहे हो कितने मेंबर पे बैठ के? मेरे भाई की भी सोच रहा। अच्छा अच्छा। यार मेरे दो बेटे, एक बड़े वाले का नाम जुनैद है, छोटे वाले का नाम मोहम्मद है। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बेटी है नफीसा, और एक छोटा बेटा है उसका नाम सला है। अच्छा। तो चार है माशाल्लाह, टोटल चार माशाल्लाह। बाबर भाई के साथ आज ही हमने थोड़ी सी बातचीत की, और बाकी इनकी जो और तफसीलात हैं चीज़ें हैं वो आप इनके व्लॉग्स में देखते रहते। हम तो वैसे ही आज गपशप के मूड में आए थे यहाँ पे, और अभी हमने अफ्तारी इनसे करनी है, वो अभी बाकी है, तो इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा आपसे छोटी सी मुलाकात आखिर में और करेंगे और फिर आपसे इजाज़त। इफ्तार पे हैं हम माशाल्लाह, और भाई दो तीन चीज़ें आपसे जो जाते जाते डिस्कस कर रहे हैं जी। एक तो ये कि दीनदारी का आ जाना ये अलग एक चीज़ है, लेकिन इस दीनदारी को कैरी रखना जी, इस सिलसिले को जारी रखना और इस पर कायम रहना, दायम रहना, वो हदीस मुबारक भी है ना कि हब्बुल आमाली इल्लाह अदवमुहा व इनकल्ला, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल हो, बेशक थोड़ा हो। क्या बात है, सही बात है। तो अब ये मुझे बताएं कि जुनैद भाई के जाने के बाद 6-7 साल हो गए, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपका ये जो खुलिया है और ये जो एक दीन से लगाव है और ये जो
नज़र आता है माशाल्लाह अटैचमेंट दीन से, इसको बरकरार रखने में, इसको मेंटेन रखने में किसका किरदार है घर में सबसे ज़्यादा, ये बताएं। अब्दुल अहद भाई, सबसे पहले यार आपका बहुत बहुत जज़ाए खैर यार, आपने सब आज बैठे आज इफ्तारी की आपने, बड़ी मज़े की बात। ये जो दाढ़ी भी रखी, ये कैसे रखी कि एक दफ़ा उनका एआरआई में शो चल रहा था, अच्छा, तो अब 30 दिन उन्होंने घर नहीं आना, उन्होंने वहीं रहना है, वहीं रहना है, सही। अब वो 30 दिन मैं अभी अभी रमजान से पहले फुल क्लीन शेव करके बैठ गया, अच्छा। अब तो वही चल है, अब तो आएंगे ही नहीं। अच्छा, तो उनकी कॉल आ गई मेरी अम्मी को, सही है, कि मेरे बड़े भाई जो तैमूर है उनको और बाबर को मेरे शो भेजो, मैं इनको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, अच्छा। कि ऑडियंस में ही बैठेंगे, मैं इनको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे होते हैं ये वो। और मैं ही तो समझे कि टांगे कंपने लग गई कि यार अभी मैं शेव की, अभी अभी वो मुझे कहा करते थे कि यार तुम रख लो गाड़ी अच्छे लगोगे। सो जब मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं मानता था तो वो कभी कभी मुझे बोलते भी थे हल्का फुल्का। तो अब जाना था उनके पास, जब उनके पास गए तो वो उनकी लाइव चल रही थी ट्रांसमिशन। हाँ। आप इसे ट्रांसमिशन कह रहे हो तो आप लाइव तो नहीं छोड़ के आओगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल। वो छोड़ कर आ गए और वो गेट तक आ गए एयरवे के, और उन्होंने आके हाथ पकड़ के मुझे लेकर जा रहे थे अंदर, मेरे भाई भी साथ साथ। तो जब रास्ते में लेकर जा रहे थे तो मेरे कान में हल्का सा उन्होंने बोला क्या, पूरी कटा दी, पूरी कटा दी। मैंने कहा बाबा जी, तो यार मैं इतना यार आपको आज बता रहा हूँ, मैं इतना एम्बेरस हूँ, इतनी शर्मिंदगी हो रही थी यार कि मतलब इतनी सी भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, और एक उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और बस उधर मैं बैठा शो में। तो यार ये बड़ी मज़ेदार बात। हाँ, और फिर मैं जब घर आया तो मेरे अंदर वो फिर आना लग गया कि यार हल्के हल्के। फिर उसके मैं मेरी जो शादी है वो मैं बाबा के टाइम में नहीं हुई थी, उनके बाद हुई थी, कि 2018 में मेरी शादी हुई थी। सही। तो जब शादी है तो मेरी जो घर वाली है उसमें मेरी शेव ही थी बिल्कुल। तो जब उसके बाद मैं पहली दफ़ा 40 डेज पे गया था जमात में, और अच्छा। लेकर मुझे जाने वाले थे जो हमारे सईद उमर भाई नहीं है, जी जी जी, उन्होंने मुझे कहा था कि सही। मैं उसमें बड़ा परेशान था उस वक्त। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं 2 साल तक ठीक नहीं हुआ था बाबा के बाद। नहीं नहीं, मैं मुझे यार सीरियस वाली डिप्रेशन हो गई थी, मुझे इतनी बुरी हिट हुई थी कि मुझे तो कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता था। अगर आप मुझसे बात भी करते थे ना तो मेरा उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे घर आओ, मैं थोड़ा समझाता हूँ। फिर मुझे अपना जब जमात में लेके गए तो मैंने 40 डेज जब गुजार के जब आया तो मेरी बेगम भी परेशान हो गई कि यार इससे मैं शादी भी नहीं की थी। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। जुनैद भाई ने एक बार ये बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि एक बार जब वो इस सिंगिंग से आगे इधर नात खानी की तरफ, सना खानी की, छोड़ दिया वो फील्ड। अच्छा, वो एक रिवर्स बैक भी हुआ, यानी वो दोबारा से इस, यानी इधर दीन की तरफ आया तबलीग की छोड़ के फिर दोबारा से सिंगिंग की तरफ चले गए थे, ये क्या हुआ था और इसकी इसकी कोई याद है आपको कि क्या था ये? वो इसीलिए हुए थे क्योंकि उस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, तो जी क्योंकि सिर्फ बाबा ही थे हमारे घर में जो काम करने वाले, जो काम करते थे, और तो फिर वो एक बहुत टफ सिचुएशन हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में कोई भी हो जो अल्लाह से जुड़ना चाहेगा ना, तो अल्लाह तो ये कुरान में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा माल से, औलाद से, ये खाने पीने हर चीज़ से, अल्लाह तो आजमाएंगे, देकर भी लेकर, देकर भी लेकर भी। तो वो जो भी अल्लाह से लगाव चाहते हैं और अल्लाह से सच्ची दोस्ती बनाना चाहते हैं तो फिर अल्लाह चेक करते हैं ना कितना इसकी दोस्ती कितनी वफादार है और ये कितना एक्चुअल मोहब्बत करता है। ऐसे जब मैं भी जब गया था चिल्ले में चार जंगे, तो मेरे पास जब मैं वापसी आया था तो उस वक्त जेडोर से एसोसिएशन तो थी, लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि वो सिर्फ उतना ही होता था जिससे हमारे घर के एक्सपेंसेस पूरे होते थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास भी उस वक्त पैसे नहीं थे। अच्छा। हाँ, और मेरी बेगम को लगा था कि मेरे पास कितने पैसे होंगे, मेरे पास शायद जब मेरी शादी हुई थी वो ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये थे अकाउंट में, और मैं यही देकर गया था उसको। हाँ, तो जब मैं वापसी आया था तो मैंने भी बड़ा एक वो एक जो 2019 में गया था ना मैं, तो उसके 6-7 महीने मैंने भी बड़ा एक पीरियड देखा था। अच्छा। तब मैंने जाकर 19 के अप्रैल में मैं जमात में गया था, अक्टूबर में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। सही। मैंने कहा यार कुछ करूँ तो सही, कुछ करूँ तो सही। हाँ, तो सही वो अल्लाह ज़रूर चेक करते हैं बेशक ऐसे, बेशक ऐसे एक उस गुजारने के लिए, लेकिन फिर जब मैं अगर उस पर जम जाए ना फिर मज़े मज़े हैं माशाल्लाह आजकल मज़े। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो भाई चैनल्स के साथ कमिटमेंट चल रही है बार भाई की, यही होते हैं माशाल्लाह।
चले जी, बहुत शुक्रिया नाजिन, अफ्तारी करने दो यार खोल कर, अल्लाह के बंदो आप लोग भी खुदा के बंदो पर बैठे हुए सुन रहे हो मज़े से, खुद खा पी रहे हो, हम लोग जो आप चक्कर में हो जाना, शरबत भी अभी गिलास आधा भी नहीं हुआ मेरा तो। बाकी ये कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले कुछ सिलसिलों में, और रोज़ाना ही मुलाकात हो ही रही है आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए फिर फिलहाल भाई को और बाबर भाई को भी, मिलते हैं आपसे, अस्सलाम वालेकुम।